जय हिंद, नमस्कार। मेरे शेर से स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांड ओपिनियन में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, जैसे ही पोस्ट ऑफ वैकेंसी बढ़ गई, क्या सर इसकी फिजिकली कटो पर कितना फर्क पड़ेगा, फिजिकली कटो पर ज्यादा फर्क पड़ेगा या फाइनल कटो पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए लाडलू, दोनों ही कटो पर प्रभावित होगी, क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी लगभग दुगनी हो गई है। जहां पोस्ट ऑफ वैकेंसी 26,000 थी, वो 46,000 चली गई है, यानी लगभग लगभग दुगनी हो गई है। तो इसका मतलब है कि आपकी कटो काफी नीचे रहने वाली है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके भी मन में होगा कि सर पिछली जो कट ऑफ थी, क्या ये अब उससे ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी। मेरा मानना यह है कि उससे नीचे या उसके आसपास रहेगी, ऊपर तो अब नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि पिछली बार पोस्ट ऑफ वैकेंसी लगभग 50,000 से 55,000 थी, उसमें एज ग्रुप ज्यादा था, यानी 18 से 26 था वो एज ग्रुप। इस बार कितना है? 18 से 23 ही है, यानी इस बार एज में कोई भी छूट नहीं थी। पोस्ट ऑफ वैकेंसी लगभग वहां चली गई। हो सकता है कि आपके फिजिकल के बाद में फिर भी 4-5 हजार पोस्ट और बढ़ जाए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पहले पोस्ट बढ़ी थी और फिर फाइनल कट ऑफ से पहले फिर 5,000 पोस्ट बढ़ी थी। तो उम्मीद करते हैं ऐसा हो सकता है। साथ ही आपके मन में एक संशय और होगा कि सर इस बार पोस्ट ऑफ वैकेंसी इतनी बढ़ गई है, तो क्या अगली वैकेंसी में वैकेंसी कम आएगी या ज्यादा आएगी? बहुत ज्यादा प्रभावित, अगर ज्यादा हम सोचे कि ज्यादा किस फेवर में रहेगी, तो मैं आपको बता दूं पोस्ट ऑफ वैकेंसी ज्यादा आने के चांस है। यानी अगर इस वैकेंसी में पोस्ट ऐड की गई है, इसका मतलब है कि हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनमें पोस्ट ऑफ वैकेंसी काफी खाली है, उनको फिल किया जाएगा, तो अगली वैकेंसी भी लगभग 50,000 या उससे ऊपर पदों के आने की चांस है। अब आपको हम बताते हैं कि फिजिकल में कितना प्रभाव पड़ जाएगा। देखो, जो वैकेंसी अगर हम बात करें, BSF में लगभग 5,897 पोस्ट बढ़ गई है, किसमें? सिर्फ BSF में। CISF में 2600, CRPF में 6,000, SSB में 1291 पोस्ट और ITBP में 3,000 के आसपास पोस्ट और असम राइफल में 1500 पद बढ़ चुके हैं। अगर टोटली हम देखें, पिछली वैकेंसी थी 26,146, इतने दिन जो वैकेंसी थी, अब ये वैकेंसी बढ़ के हो गई है 46,617, 26,000 से 46,000 तक ये वैकेंसी चली गई है। ये वैकेंसी जाने की वजह से अगर हम बात करें, देखो वैकेंसी जाने की वजह से SSDD में क्या होता है, लगभग 8 गुना पास करते हैं। अगर हम देखें पिछली वैकेंसी 25,000 के आसपास थी, अगर 8 गुना देखें तो लगभग 2 लाख, अगर 2600 को और कर दे तो 2,16,000 के आसपास बच्चे पास होने वाले थे। 2,16,000 के आसपास बच्चे टोटली पास होने वाले थे, वो बच्चे अब लगभग 4,50,000 के आसपास पास होने वाले हैं, 4,50,000। तो आप सोचिए कहां 2,16,000 और कहां 4,50,000, कितना डिफरेंस आ गया। यानी 46 को आप 8 से गुणा कर लो, उतने यानी 4 लाख के प्लस मान के चलो, यानी लगभग 2 लाख बच्चे और ज्यादा फिजिकल देने के लिए जाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपकी फिजिकल की कट ऑफ काफी नीचे गिरने वाली है। अगर आपके नंबर पिछली बार की कट ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा या उससे कम भी है, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और जो बच्चे इतने दिन फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे, अब मैं आपको बता दूं जुलाई के आसपास आपका फिजिकल होगा, अब तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर पे तैयारी नहीं हो रही तो आप एकेडमी आ सकते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी टाइमिंग बनाने की गारंटी मेरी, भले आप तो बिल्कुल भी ना दौड़े, 1 महीने में 30 दिन के अंदर अंदर आपको 24 मिनट के अंदर अंदर पास कराते, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। यानी अगर कट ऑफ देखो तो पिछली बार से कट ऑफ काफी नीचे जाएगी, जहां 2.5 लाख 2 लाख के आसपास बच्चे जाने वाले थे, अब वहां पर 4.5 लाख 5 लाख के आसपास बच्चे फिजिकल देने जाएंगे, कट ऑफ काफी नीचे आ जाएगी। मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट भी गिरेगी, पिछली बार की जो फाइनल मेरिट की कट ऑफ है ये उससे ऊपर तो नहीं जाएगी, उससे नीचे ही रहेगी, इसके चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, और आपको यही मान के तैयारी करना है लाडलू, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।